अल्लाह एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड टू माई न्यू वीडियो आई होप यूर आर डूइंग गुड सो लेट स्टार्टे इस वीडियो एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे ईद के प्रिपरेशन एंड हाउ वी सेलिब्रेटेड आर टू डेज ऑफ ईद ईद तो सबसे पहले तो यहाँ पर ईद के जो एक रात पहले की जो ये वीडियो क्लिप है एंड हियर वी आर रोस्टिंग आर ड्राई फ्रूट्स तो इसको हमने थोड़े से घी में रोस्ट करके रख लिया इसको कट हमने पहले ही कर लिया था दो तीन दिन पहले सो वे जस्ट रोस्टेड इट इन घी राइट नाउ और इसके अलावा उस हमने यहाँ पर ना सेवैयाँ जो होती है उसको भी रोस्ट कर लिया उनको घी में नहीं हम ऐसे ही सिंपली uh, रोस्ट करते हैं और हार्डली वन मिनट के लिए हमने इसे रोस्ट किया था और उसके बाद मीन वाइल यहाँ पर uh, जो दूध अम्मी ने ऑर्डर किया था सारे तो वो भी आ चुके थे और ये इट वॉज अराउंड एट लीटर्स ऑफ मिल्क जिनकी हम सेवैयाँ बनाएंगे और अरफ़ात का जो रोज़ा होता है वो भी हमने रखा था तो यहाँ पर सबसे पहले हम इफ़ार कर लेते हैं उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे एंड इफ्तार में आई मेड दिस चिकन ज़िंगर जो रोल होता है वो एंड अपार्ट फ्राम दैट दे वज गार्लिक ब्रेड एंड मोमोज थे तो उसकी जो रेसिपी है चिकन जिंगर रोल की वो सुन में अपलोड करूँगी इनशाला अच्छा सो तो रफ्तार के बाद हमने अपनी यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू की है तो यहाँ पर मिल्क को जो है वो बॉयल करने के लिए अम्मी रख देंगे क्योंकि आ, सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको बॉयल होने में ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा और मेरी मम्मी स्पेशली इस उसको बहुत ज़्यादा देर तक दूध को पकाते हैं जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए ना तब तक इसको पकाते हैं दिस इज़ द मेन थिंग ऑफ मेकिंग सेवैयाँ जो हमारे घर में इसी तरीके से बनती है अच्छा तो दूध बॉयल हो रहा है मीन हम किमामी सेवैयों की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो सबसे पहले उसकी चाशनी अम्मा ने ना मेरी बना ली है सिंपली वाटर के अंदर शुगर डाला है और वहाँ पर खोया या मावा जो भी कहते हैं उसको है ना हम निकाल लेंगे बिकॉज वी गोना ऐड इट इन आर की मामी uh, हम दूध नहीं ऐड करते हैं उसमें हम ऐड करते हैं और यहाँ पर आम कटिंग अनियंस बहुत सारे अनियंस कट करने हैं क्योंकि नेक्स्ट uh, डे हमने ना uh, इसको यूज़ करना है फॉर कलेजी एंड हम मटन का जो सालन बनाएंगे तो उसमें तो हम थोड़ी बहुत प्रिपरेशन अभी कर लेते हैं ताकि दूसरे दिन ज़्यादा हेक्टिक ना हो जाए क्योंकि मुझे तीन डिशेस बनाने थे सो इस वजह से जितना हो सकता

रेडी हो चुकी है मतलब उसमें स्टिकीनेस आना चाहिए उसके बाद जो हमने रोस्ट करके सेवैयाँ रखी थी तो वो भी ऐड कर दिया अम्मी ने उसके अलावा चला जाएगा इलायची का पाउडर मतलब इलायची के साथ जो कवर होता है वो भी हम मैंने कूट के वो भी ऐड कर दिया था इससे काफ़ी अच्छा फ़्लेवर एंड अरोमा आता है उसके बाद ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट किए थे वो चला जाएगा और जो ढेर सारा खोया या मावा था तो वो भी ऐड कर दिया एंड यहाँ पर भी जो ग्रीन चटनी है या ग्रीन मसाला है वो रेडी है तो उसको फिलहाल मैं फ्रिज में रख दूँगी नेक्स्ट डे वी गा यूज इट और लास्ट में हमने इमामी सवैयों के अंदर दो से तीन टेबल स्पून के करीब घी भी ऐड कर दिया था एंड बस उसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे और हमारी जो किमामी सवैया है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है और यहां पर जो अनियन है मैं इसका बिरिस्ता जो आ, ब्राउन ब्राउन अनियन फ्राइड अनियन जो होता है वो मैं रेडी करके अभी रख लेती हूँ तो बस मैंने ऑयल के अंदर जो सारे अनियंस काट के रखे थे ना वो मैंने ऐड कर दिया है एंड वी गोना मेक इट ब्राउन और यहाँ पर जो कि मामी सवैया है वो मैं टेस्ट करने लगी हूँ मेरा हर साल का ईद और बकरीद दोनों का रूटीन है जैसे कि मामी सवैया रेडी होती है सबसे पहले मैं उसे टेस्ट करती हूँ तो बस यहाँ पर मैं उसे टेस्ट करने लगी हूँ और अनियन जो है वो हमारे रेडी हो चुके हैं सो मम्मा ने बोला कि इसको इसी तरीके से हम इसी बर्तन में रहने देंगे नेक्स्ट डे हम इसे यूज़ करेंगे द सेम पैन मतलब इसी बर्तन में हमने जो हमारी कलेजी वो बनानी है तो हमने अनियंस को उसी में रहने दिया है और ऑयल हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया था तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है अच्छा सो हमारा जो मिल्क है वो कम्प्लीटली कुक हो चुका है जितना हमने रिड्यूस करना था वो हो चुका है इसका फ्लेम अब हम बंद कर देंगे नेक्स्ट डे दे, सुबह में हम इसमें सारी चीज़ें सेवैयाँ वगैरह जो भी ऐड करना है वो सुबह में ऐड करेंगे अच्छा सो उसके बाद मैंने अम्मी को मेहंदी लगा दी थी और प्लीज़ डोंट जज मी किसी ने अगर उल्टा सीधा कहा कि बड़ी बेकार डिज़ाइन लगाती लगाते आई नो बहुत बेकार लगाती हूँ आई एम नॉट गुड एट इट ओके अच्छा जी तो यहाँ पर सुबह हो चुकी है और सबसे पहले काम तो सेवैयाँ का ख़त्म करेंगे हम दूध में अम्मी ने ऐड किया था इलायची पाउडर उसके बाद फिर सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं एंड उसके बाद हमने जो सेवैयाँ रोस्ट करके रखी हुई थी थोड़ी ही बहुत कम क्वांटिटी में और दूध वाली सेवैयों में सेवैयाँ ऐड करते हैं हम लोग तो बस जैसे सेवैयाँ ऐड कर दिए थोड़ा सा मिक्स करेंगे एक दो मिनट के लिए और फ्लेम को फिर से हमने बंद कर देना है एंड ये अमी डिलीशियस सेवैया इज़ रेडी हम लोगों को सबसे ज़्यादा अपने घर की सेवैयाँ मेरी अम्मी के हाथ की सेवैयाँ अच्छी लगती है क्योंकि अम्मी बनाते हैं इतना टेस्टी है अच्छा तो चलो बहुत तारीफ हो गई है और अब बारी आती है कि मैं थोड़ी बहुत सफ़ाई कर लूँ क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था और जैसे ही कुर्बानी हो जाएगी उसके बाद मुझे किचन में काम करना है और गंदगी में मैं काम बिल्कुल नहीं कर सकती तो बस थोड़ी बहुत क्लिनिंग करनी है उसके बाद फिर आप, पानी वगैरह मैं बॉटल्स में सारे भर के रख दूँगी राइट नाव ताकि बाद के लिए कोई काम जो है वो बचा ना रहे एंड आफ्टर दैट आई हैव टू चेंज दी बेड शीट्स और थोड़ी सी ब्रूमिंग वगैरह करनी है ओके अच्छा सो सारे साफ़ सफ़ाई वाले काम जो है फिनिश हो चुके हैं यहाँ पर मैं मैट बिछा रही हूँ ताकि जो मीट वग़ैरह आएगा वो इसके ऊपर रखा जा सके और यहाँ पर कुर्बानी के बाद का टाइम है ये तो मैं सबसे पहले ना जो सालन होता है मटन का उसको बनाने की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है मैंने मीट को अच्छे से वॉश करके जो अनियन मैंने रात में ब्राउन करके रखा हुआ था तो वो ऐड कर दिया है हाफ़ इसमें यूज़ करूँगी और हाफ़ जो कलेजी बनाएंगे हम उसमें यूज़ करने वाली हूँ सो उसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट ग्रीन चिली पेस्ट है सारे मसाले जैसे कि टर्मरिक पाउडर red chilli powder red chilli flakes धनिया पाउडर जाएगा एंड लास्ट में जाएगा गरम मसाला एंड नहीं एक्चुअली दिस इज़ सेकेंड लास्ट लास्ट में जाएगा सॉल्ट तो बस इन सब चीज़ों को मैंने थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया था बहुत थोड़ा सा बिकॉज ऑलरेडी वी हैव फैट इन मीट तो बस इसको मैं अब रख दूँगी uh, गैस पर पकने के लिए ऑन लो टू मे लो टू मीडियम फ्लेम और ये पकता रहेगा इसको आराम से हमने आधे घंटे तक छोड़ देना है कोई मसला नहीं है इसका तो बस इसको कवर करके रख दूँगी और मीन वाइल यहाँ पर जो कलेजी आई है ना तो उसको सबसे पहले तो मैंने बॉयल कर लेना है विथ हल्दी एंड सॉल्ट और इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया मैंने पानी भी ऐड नहीं किया है ममा ने बोला था पानी भी नहीं ऐड करना है इसको बॉईल कर देना है और साइड में जो इसका ग्रेवी होगा या इसका जो मसाला होगा तो वो मैंने प्रिपेयर कर लिया है तो मसाला मैं सेम पैन यूज़ करूँगी जो रात में हमने जिसमें अनियन को ब्राउन किया था तो यही सेम अनियन में ही मैं सारे मसाले डालने वाली हूँ सबसे पहले इसमें भी सेम चला जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट ग्रीन चिली पेस्ट है रेड चिली पाउडर है और इसमें और फिर धनिया पाउडर थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर था और मसालों को हमने अच्छे से भून देना है सॉल्ट नहीं ऐड किया क्योंकि कि कलेजी में हमने बॉईल करते वक्त ही सॉल्ट को जो वो ऐड कर लिया था जैसे ही मसाला भुन जाएगा और कलेजी हमारी अच्छे से बॉईल हो जाएगी ना पूरा हमने इसमें ट्रांसफ़र कर देना है एंड बस थोड़ी देर के लिए और कुक करना है और डन हमारी कलेजी कम्प्लीटली रेडी हो जाएगी अच्छा सो यहाँ पर सुबह में तो मैंने चाय पी ली थी तो मुझे शीर खुरमा खाने का टाइम नहीं मिल पाया तो अब मैं खाऊँगी और उसके बाद फिर मेरा भाई आ गया था तो मैंने उसे भी दिया था बेचारा बड़ी मेहनत करके आया हुआ था और यहाँ पर अम्मी आ चुके थे किचन में इस ग्रेवी की हालत देखने के लिए तो ऑलमोस्ट ओके okay. बस इसमें पानी ऐड करना था हमें ताकि हम इसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्रेवी दे सके और उसके बाद हमने जो चटनी वाला गोश् है वो भी साइड में उसका जो मीट है वो बॉईल कर लिया था मैंने बोनलेस यूज़ करते हैं इसमें मीट और छोटे छोटे पीसेस में कट करके तो उसको बस ट्रांसफ़र करना है दूसरे पैन में और जो हमने ग्रीन पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था एक रात पहले वो ऐड करके बस उसको अच्छे से कुक कर लेंगे हम और डन हमारे सारी जो चीज़ें हैं वो रेडी हो चुकी है तीनों जो डिशेज़ थे वो रेडी हो चुके हैं और इसके साथ जो नान या वगैरह रोटी हम आ, मंगाना भूल ही गए थे बिकॉज़ मेरा भाई बिज़ी था कुर्बानी में तो इस वजह से तो बस हमने लास्ट मोमेंट पे पाव मंगा लिया था एंड वी ऑल्सो कुकड राइस सैलड था साथ में एंड दैट सेट अब हम लंच करेंगे तो फर्स्ट डे वी हैड ओनली टू टू थ्री गेस्ट तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा कुछ अमाउंट में या क्वान्टिटी में चीज़ें नहीं बनाई थी अच्छा सो लंच करने के बाद हमने घर की सफाई करी और हमारा फर्स्ट डे मीट डिस्ट्रीब्यूशन में ही निकल गया और उसके बाद मैं आ गई अपने रूम में लंच करने के बाद यहाँ पर मैं सेवैया खाऊंगी और उसके बाद नैप ले लिया था और ये डायरेक्टली रात का वक्त है क्योंकि शाम में भी वी डिड नॉट हैव गेस्ट मच तो बस यहाँ पर अब मैं आ चुकी अपने रूम में एंड वन मोर थिंग कि मैंने अपनी रूम का जो बेड है वो चेंज ही नहीं किया था मेरा बिल्कुल दिमाग से निकल ही गया था मैंने बाकी दो रूम्स के किए थे और यहाँ पर पहले तो मुझे भूख नहीं लगी हुई थी बट बाद में बारह बजते मुझे थोड़ी सी भूख लग गई सो आई वेंट इन टू किचन अबाउट माई सेल्फ दिस प्लेट ऑफ राइस एंड जो ग्रीन चटनी वाला गोश्त था वो ले लिया था तो बस अब मैं डिनर करूंगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे वी होस्टेड अ दावत ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल तो बस वो दावत की प्रिपरेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैम ओके okay, सो so अब सोएँगे हम लोग अच्छा सो दिस इज़ डे टू और यहाँ पर दोपहर का वक्त मैं डायरेक्टली आप लोगों को दिखा रही हूँ तो यहाँ पर मैं ढेर सारे ढेर सारे अनियंस कट कर रही हूँ क्योंकि हमने शाम को जो हमारे गेस्ट आने वाले उनके लिए हमने बनाना है दो प्याज़ा तो हम दो डिशेस बस बनाएंगे ज़्यादा कुछ नहीं तो दो प्याज़ा मम्मा घर में बनाएंगे और उसके अलावा हमने कौरमा बनवाया था मटन कौरमा तो वो हमने बाहर से ही बनवा लिया था बिकॉज़ इतने सारे लोगों के लिए एक साथ बनाना इट वॉज़ नॉट पॉसिबल तो बस यहाँ पर ढेर सारा मटन है और मैंने जो सारे अनियंस कट किए थे तो मम्मी ने वो भी ऐड कर दिया है सारे खड़े मसाले हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़े बहुत पाउडर्ड मसाले ऐड किए थे तो बस इसको कुक करने के लिए रख देंगे हम और यहाँ पर दोपहर का वक्त हो चुका था क्योंकि सकेंड डे भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करना था उसमें ऑलरेडी वी वर वेरी लेट तो यहाँ पर मैंने शार लिया काफ़ी लेट और उसके बाद शाम हो चुकी थी ऑलमोस्ट तो बस थोड़े से थोड़ी मैं तैयार हो गई थोड़ा सा बिकॉज़ फर्स्ट डे मैंने कुछ भी नया आउटफिट नहीं पहना था मतलब आई टू का शार बट आई वॉज इन ओल्ड आउटफिट ओनली तो बस यहाँ पर जल्दी से थोड़ा बहुत तैयार हो गई उसके बाद फिर से किचन में जाएंगे क्योंकि और भी चीज़ें हमने करनी है जैसे कि राइस कुक करना था तो जो ज़ीरा राइस होता है ना वो हम बनाने वाले हैं तो तैयार होने के बाद मैंने सबसे पहले जो एक कालीन है वो बिछा दी थी क्योंकि हम डाइनिंग टेबल पर एक साथ इतने सारे लोगों को नहीं बिठा सकते तो बस हमने यहाँ पर कालीन दोनों बिछा ली थी उसके बाद फिर वापस किचन में जाऊँगी क्योंकि अम्मी वहाँ पर जो है वो राइस कुक करने के प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके थे तो यहाँ पर हमने अराउंड थ्री के ऑफ़ राइस लिया था तो उसको हमने बॉइलिंग वाटर में ऐड कर दिया है इसमें अम्मी ने तेज़ पत्ते जो बे लीफ होते हैं वो और लेमन जूस ऐड किया था राइस को अच्छे से कुक कर लेंगे अराउंड नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट और ये वाला मेथड हम पहली बार यूज कर रहे थे बिकॉज सम वन अस टू ट्राई आउट दिस रेसिपी तो बस हमने इस तरीके से बनाई तो जैसे राइस बॉयल हो गए हमने दूसरे पैन में या बर्तन में इसको ट्रांसफ़र किया है एंड उसके बाद उसको मेनली uh, हम जैसे दम पर लगाते हैं बिरयानी को उस तरीके से लगाने वाले हैं अच्छा सो तो यहाँ पर हमने अपने मटन दो प्याज़ों को चेक कर लिया बिल्कुल ठीक कंडीशन में था बस लास्ट में हमने इसमें पाउडर्ड मसाला ऐड करना है वो भी एकदम लास्ट में ऐड करेंगे हम अच्छा तो यहाँ पर जो राइस है उसमें उसको कुक करना जो अभी बाकी है तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमने राइस निकाल कर रखा होता सेम पैन में इसको हमने ऐड कर लिया है पहली लेयर और उसके बाद तड़का दे दिया है अम्मी ने घी के अंदर ऐड किया है ज़ीरा छोटी इलायची है और आई गेस बड़ी इलायची भी एक डाली हुई थी एंड दैट्स इट उसको इस तरीके से ना इस पर पोर कर देंगे और फिर दूसरी लेयर भी लगाई राइस की एंड सेम ऊपर से ये वाला जो तड़का है वो ऊपर से पोर कर दिया तो so बस उसको अच्छे से हमने कवर कर देना है और दम पर लगा देना है फॉर अराउंड एट टू टेन मिनट्स और राइस रेडी हो जाएगा हमारा और यहाँ पर जो मटन दो प्याजा है उसमें हमने जो अपना मसाला है वो ऐड कर दिया है थोड़ा सा मिक्स करके और हमारा मटन दो प्याज़ा भी कम्प्लीटली रेडी है मेन वाल यहाँ पर मैंने सैलड कट कर लिया है और मेरा भाई जो है वो नान लेकर आ गया था तो बस अब मैं नान को और सारी चीज़ों को प्लेट्स में निकालना स्टार्ट करती हूँ सर्व करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि गेस्ट ऑलमोस्ट आना स्टार्ट हो चुके थे तो बस मैंने आ, कुछ ज़्यादा मौका तो नहीं मिल पाया शूट करने का क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे हम लोग जब गेस्ट थे घर में तो यहाँ पर जो हमारा जो कोरमा जो ने बाहर से ऑर्डर करवाया था वो भी बनकर आ चुका था बहुत बड़े पतीले में था इट वाज अराउंड नाइन के जीज ऑफ कोरमा तो बस ये बनकर आ चुका था और यहाँ पर मैंने बस एक छोटा सा वीडियो शूट कर लिया था जस्ट टू शो यू गाई तो सारी चीज़ों को रैप अप करते हुए हम लोगों को रात के बारह बज गए थे इट वॉज अ टायरिंग डे बट अलहमदुल्ला सारी चीज़ें अच्छे से हो गई थी सो दैट्स फॉर वैट वीडियो आई होप यू गाइज लाइक डिट और अगर पसंद आया हो सो डू गिव इट लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मिलते हैं इनशाला नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा स्टे पॉजिटिव किफ्स my bye